नमस्कार टू डी प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद सा समाचार शुरू करी। धोनसा में आई 89 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि संबंधी प्रसंग सा पिछला 24 घंटा में धोनसा में आई 89 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि जिला प्रशासन कार्यालय धोनसा उपलब्ध कराने तथ्यांक अनुसार आई धरि धोनसा में कोरोना संक्रमित की संख्या 1056 रहल में आई 89 थप भेल अछि। तऽ एखन धरि सक्रिय संक्रमित के संख्या 1126 रहल अछि। तऽ ठीक भेल संख्या 13 रहल अछि। तहिना आई मात्रे धोनसा में कोरोना संक्रमण के कारण 6 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल समय जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार 63 वर्षक पुरुष, मिथिला बिहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 रहनिहार 46 वर्षक पुरुष, जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार 70 वर्षक महिला, कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 3 रहनिहार 65 वर्षक पुरुष, जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार 62 वर्षक महिला आ जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका वार्ड नंबर 13 के 67 वर्षक एक पुरुष रहल अछि। तऽ 6 गोटे में से 5 गोटे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। तऽ 1 गोटे के विराट मेडिकल कॉलेज विराटनगर में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रशासन कार्यालय धोनसा तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। धोनसा में संक्रमित में से 866 गोटे होम आइसोलेशन में इलाज करा रहल अछि। सामान्य इलाज में रहल संख्या 203 न रहल अछि। तहिना आईसीयू में इलाजरत संक्रमित के संख्या 44 रहल अछि। वेंटिलेटर में इलाजरत के संख्या 13 रहल अछि। धोनसा में एखन धरि कोरोना के कारण मृत्यु भेल संख्या 72 पहुँचल अछि। बृहस्पति दिन 245 गोटे PCR परीक्षण कराने में 89 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। धोनसा में स्वास्थ्य पूर्वाधार अंतर्गत 37 अस्पताल सेवा दैतायल में जमा बेड के संख्या 612 रहल अछि। तहिना आईसीयू के संख्या 83 रहल में वेंटिलेटर के संख्या 21 रहल प्राप्त तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। नेपाल में थप 6939 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कैल गए 20,414 PCR परीक्षण के क्रम में 6731 आ 578 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 208 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित होवलक संख्या 542,256 पहुँचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 106 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तऽ एखन धरि नेपाल में 6951 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 7226 संक्रमित ठीक भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 418,829 गोट कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एखन नेपाल में 116,476 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 1009 गोट क्वारंटाइन में अछि। एखन धरि नेपाल में 29,98,064 PCR कयल गेल मंत्रालय जनौलक। जतय एक दिस कोरोना महामारी के नियंत्रण करबाक लेल नेपाल सरकार से लगकर विभिन्न सामाजिक संघ संस्था निःशुल्क सेवा दैत आबि रहल अछि, तहि ओहिठमन जनकपुर धाम के काव्य हॉस्पिटल कोरोना के इलाज बापत दैनिक 50,000 से बेसी बिरामी सब लड़ रहल देखल गेल अछि। मानवीय संवेदना के धजी उड़बैत अस्पताल कोरोना रोगी के इलाज के बापत दू दिन में 1.5 लाख के बिल थमलक बाद ओ आश्चर्य में पड़ल छल। कोरोना महामारी के कारण सरकार लगौने निषेधाज्ञा में आर्थिक मार झेल रहल जनकपुर धाम के नागरिक से ऊपर कोरोना इलाज के नाम में लूट धंधे मचौला पर मध्यम वर्गीय के लेल निजी अस्पताल में इलाज करौनाइ सपने बनल अछि। अस्पताल कोरोना के कारण रोगी के इलाज करबाक लेल चिकित्सक लगाबे वाला PPE से लगकर ग्लोव सैनिटाइजर मास्क से संपूर्ण सामान रोगी से वसूल करैत आयल रहस्य सेहो बहरायल अछि। काव्य हॉस्पिटल में कोरोना रोगी के भर्ना कराने वापस अस्पताल भरना वापस तत्काल के लिए 36,000 रुपया बेड चार्ज कहत राख लगबित अछि। ओहि के बाद प्रत्येक 24 घंटा बीतला के बाद 18,000 डिपोजिट करबित आयल रहस्य सेहो बरायल अछि। तहिना अस्पताले बिहोर प्रभाग PPE लगाए के सामग्री सब रोगी संग अपने खरीद करय लगेबाक आबि रहल अछि। विभिन्न टेस्ट के नाव में 17,000 PPE लगाए के सामग्री में 4,000, ECG में 2,000 आ मेडिसिन में 50-60,000 देर असूलित आयल विभिन्न प्रमाण से देखल गेल अछि। एतेक महग शुल्क रहितो अस्पताल नॉर्मल आ क्रिटिकल दुनू किस्म के कोरोना रोगी के एकटा रूम में राखि कर इलाज करैत आयल सेहो ओहि अस्पताल से डिस्चार्ज भेल एक व्यक्ति नाम नहि खुलाबे सत्मे बतौलनि। बाहर से खूबे सफाई के चर्चा कयल गेल रहितो भीतर कचरे कचरा रहैत आयल ओ बतौलक। कोरोना रोगी के इलाज के नाम में लूट मचौने काव्या हॉस्पिटल मैद गुजर चुकल दवाई सेवन करय लगौने सेहो खुलासा भेल अछि।
किस दिन पहले एहि विषयसँ सामाजिक सञ्जाल में चर्चा भेल रहै तऽ ओ व्यक्ति के अस्पताल के विषय में लिखने स्टेटस डिलीट कर लगौने बुझल गेल अछि। मतलाबुद्दीन स्वास्थ्य इलाज के लेल भर्ना भेल कोविड संक्रमित एक गोट रोगी के अस्पताल के फार्मेसी मैद गुजरल दवाई सेवन करबाक लेल देने छल। कोविड के निक इलाज करहल कर जनकपुर धाम के एक सामाजिक संस्था कोरोना इलाज में सहयोग पहुँचा वाला उद्देश्य से हाई फ्लो नेजल केनुला हस्तांतरण कने छल। अस्पताल के संचालक डॉक्टर सिंह दंपति रहल छथि। सभामुख अग्निप्रसाद देवकोटा जनता प्रदान कने निहित अधिकार के प्रयोग करत अपना अपने आगा बढ़ब बतौर छथि। आई संसद भवन बानेश्वर में संविधान कानून आ न्यायिक क्षेत्र के विज्ञ विशेषज्ञ सब संग परामर्श करत सभामुख सापकोटा आवश्यक पड़ल पर देश जनता संविधान लोकतंत्र आ नेपाली जनता के अधिकारक लेल नेपाली जनता प्रधान कने निहित अधिकार के प्रयोग करबाक बतौने छथि। सभामुख सापकोटा असाधारण आ बहुत करबाक लेल दिन दिन के घंटा घंटा के बात के विचार मनन क के ठोस स्थिति के ठोस विश्लेषण कर रहल धारणा सेहो रखलनि। सभामुख सापकोटा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था के अवमूल्यन स्वीकार्य नहीं रहल स्पष्ट कलनि। सरकार गठन के विषय में ककर पक्ष में बहुमत अछि आ ककर में नहीं अछि से बात के निर्क्योल संसद के कर प्रभाक में राष्ट्रपति कने कहे ओ असंतुष्टि व्यक्त कलनि। कतेको विषय आम जनता में विमर्श कर प्रभाक आ विधेयक सब से विचाराधीन रहल अवस्था में अध्यादेश मार्फत देश संचालन भेनाई दुखद रहल सभामुख सापकोटा बतौलनि। परामर्श के क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रकांत गेवाली संविधान के धारा 76 के उपधारा 5 बमोजिम के सरकार गठनक लेल राष्ट्रपति बहुमत खोजनाई गलत रहल टिप्पणी कलनि। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संविधान के व्यवस्था आ सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन के मुद्दा में देने आदेश के उल्लेख करैत बजट अधिवेशन बजेबाक लेल सभामुख राष्ट्रपति के सिफारिश कर पड़बाक बतौलनि। तहिना संविधानविद भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधि सभा विघटन क के राष्ट्रपति आ प्रधानमंत्री संविधान आ राष्ट्र पर सबसे पैघ अपराध कने आरोप लगौलनि। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा विघटन संबंधी एहिसँ पहिने के रीट से एखन के रीट अवस्था मजबूत रहल बतौलनि। अब धारा 103 मा धारा 103 को दुईले के भन्ने यहाँ प्रश्न रूपमा भने यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारबारे निर्णय गर्ने को अधिकार यस संविधानको अधीनमा रहे 73 बमोजिमको प्रधानमन्त्री थिए भने 73 को सरकारको आह्वान हुनुपर्थ्यो 73 को प्रधानमन्त्री हुनु भने 75 को सरकारको आह्वान संविधान हेर्नु न कति फरक छ एउटा पक्ष प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति योजनाबद्ध ढङ्गले संविधानमा व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न लागिरहेका छन् अनि त्यसको काउन्टरमा उभिएको प्रतिपक्ष दल अनि संसदलाई चाहिँ कुनै पनि चिजको बारेमा चाहिँ गम्भीरता छैन उसलाई केही पनि कुरा गरेका छैन। अब त्यो दिन चाहिँ उहाँहरूले त्यही 73 आह्वान गरिदिनु आह्वान मात्र अनुरोध गरे केही मिनट मात्रै बाबु राष्ट्रपतिले चाहिँ 73 सरकारको लागि उहाँले आह्वान गर्नु। अहिसँ पहिने सभामुख सापकोटा पूर्व सभामुख सँग प्रतिनिधि सभा विघटन बारेमे परामर्श कयने छलथि। आगामी दिनमे राजनीतिक दल नागरिक समाज आ पत्रकार लगायत के सरोकारवाला सबसँग विमर्श करबाक योजना रहल ओ बतौलनि। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संविधान आ संसदीय व्यवस्था बचेबाक विश्वास व्यक्त कयने अछि। नेपाल प्रेस यूनियन के 31 वर्ष प्रवेश के अवसर में यूनियन कने वर्चुअल कार्यक्रम के संबोधन करते देउवा मध्यराति में संसद विघटन केनाई असंवैधानिक रहल कहे सर्वोच्च अदालत संविधान आ
संसदीय व्यवस्था बचवाक विश्वास व्यक्त कयने अछि। सभापति देउबा कांग्रेस निर्दलीय चरित्र देखौलक कहवला सब जवाब दैत संविधान पढ़ आग्रह कयलनि। सभापति देउबा संसद विघटन विरुद्ध सड़क आंदोलन में उत्तर पड़बाक मत भिड़ैतो अपने रोकने बतौलनि। कोविड महामारी में जनता जीवन पैघ भेला सँ आंदोलन नहि कयल गेल बतौलनि। फरक प्रसंग में देउबा पार्टी के महाधिवेशन तोकल गेल समय में सम्पन्न केनाई कर अपने तैयार रहल बतौलनि। प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा मान्ने काम थिएन यो, किनभने यो संविधानको ठाडो उल्लङ्घन त प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रपतिले पनि गरेको देखिन्छ यसमा चाहिँ। त्यसै कारण चाहिँ हामीले अहिले सर्वोच्चमा गएका छौँ, मलाई विश्वास छ हामीले अदालतले चाहिँ नि यसमा चाहिँ न्याय गरिदिन्छ भन्ने कुरा छ। अब अर्को कुरा यो चाहिँ अहिलेको बेलामा यो कोभिडले भयानकै अवस्था खराब अवस्था सिर्जना गरेको छ एकातिर भनेदेखिलाई एकातिर प्रजातन्त्रमा पनि खतरा आइसकेको छ, खतरा आइपुगेको छ। जो चाहिँ अप्रजातान्त्रिक असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गरेर त्यहाँनिर नेपालमा एउटा चाहिँ यो सङ्कट राजनीतिक सङ्कट पैदा गरेको छ त्यसको लागि। त्यहाँ काङ्ग्रेसको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल काङ्ग्रेस देशमै एकसाथ तिनवटा लडाइँ लड रहल बतौलनि। देशको विकल्प जरुरी रहल कहे नेता पौडेल चुनावमै जेबाक परिस्थिति कतौ नै देखल गेल धारणा रख्ने छलखिन। बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई बताउँ कि नेपालको अर्थ संविधान दिएको र नेपालका विभिन्न जात जाति वर्ग क्षेत्र भाषा भाषी सम्प्रदाय र यो सबै किसिमको विविधताको एउटा चाहिँ सम्मिलित एउटा चाहिँ प्रयत्न र सहमतिको आधारमा निर्माण भएको यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा उठेको यो संविधान सभाबाट निर्मित यो संविधान हो र यो संविधानले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी अपनाउने कि अध्यक्षात्मक डेमोक्रेसी अपनाउने भन्ने कुरामा अमेरिकी मोडलको व्यवस्थातिर जाने कि अथवा वेस्टमिन्स्टर। कार्यक्रममा प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जनता कङ्ग्रेसकै विपक्षमै रह जनादेश दिने रहितो कम्युनिस्ट सत्ता चलाव निसक्लाक बाद मात्रै सरकारकै दावी गर परवल बताउने छलखिन। सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परल सब रिट संविधानिक इजलासमे पठाव आदेश देलक अछि। आइ विघटन विरुद्ध परल 30 रिटमे सँ 19 रिट उपर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराके इजलासमे सुनवाई भेल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराके एकल इजलास सँ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परल 19 रिट के सेहो संवैधानिक इजलासमे पठाव आदेश देने अछि। संवैधानिक इजलासमे एहिसँ पहिनहि 11 रिट दर्ता भऽ चुकल अछि। राणा संवैधानिक इजलासमे पठाउने सब रिटमे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासके विपक्षी बनाओल गेल अछि। आब ओ सब 30 मुद्दाके सुनवाई शुक्र दिन संवैधानिक इजलासमे होयत सर्वोच्च अदालत जनौलक अछि। एहिसँ पहिने नेपाली काङ्ग्रेसके सभापति शेरबहादुर देउवा सहित प्रतिनिधि सभाके 146 सांसद बहुमत सांसदसँ हस्ताक्षर कयने रहितो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देउवाके प्रधानमन्त्रीमे नियुक्त नहि कयने कहैत सर्वोच्चमे रिट निवेदन देने छ। कमिशन के चक्कर में लागल कहत सरकार बनले सँ विवादित बनित आयल प्रदेश नंबर 2 के सरकार कोरोना महामारी के समय में जोखिम मूल के पत्रकारिता करित आयल संचारकर्मी सब संग सेहो ठगी धंधा कलक अछि। प्रदेश सरकार प्रदेश के 8 जिला में वितरण कर जका बटने 800 पैकेट में गुणस्तरहीन सैनिटाइजर वितरण क पत्रकार सबके स्वास्थ्य संग खेलवाड़ करबाक प्रयास कलक अछि। प्रदेश सरकार देने पैकेट में N95 मास्क ग्लोव्स लगाए के 2 सैनिटाइजर के बोतल सेहो रहल अछि। 2 सैनिटाइजर के बोतल के 800 पैकेट संग गणना केलक त कुल 1600 बोतल में कमीशन के चल खेल कक गुणस्तरहीन सैनिटाइजर वितरण केने आरोप लगाओल गेल अछि। औषधि व्यवस्था विभाग मात्र 61 उद्योग से उत्पादित सैनिटाइजर प्रयोग कर सर्वसाधारण में अपील केने अछि, मुदा प्रदेश नंबर 2 सरकार गुणस्तरहीन सैनिटाइजर पत्रकार के वितरण केने खुजल अछि। कमीशन के कारण सस्ता पड़ेवाला गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्री प्रदेश सरकार वितरण कर रहल पत्रकार सबके उपराग रहल अछि। स्वास्थ्य सामग्री में एकटा मात्र ग्लोव्स देने अछि जे ग्लोव्स सेहो गुणस्तरहीन रहल अछि। किछु मास्क आ फेस शील्ड सेहो पैकेज में रहल अछि, मुदा सामग्री सेहो गुणस्तर युक्त नहि रहल अछि। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव पत्रकार महासंघ प्रदेश कमिटी के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कयने छल। ओहिके बाद जिला महासंघ मार्फत पत्रकार सबके वितरण
कैल जा रहा है। एम्हर मीडिया काउंसिल प्रदेश दू आ आम संचार प्राधिकरण प्रदेश दू संयुक्त रूप में विज्ञप्ति प्रकाशित करत अई बात के छानबीन करब कहलक। कोरोना काल में से वो अपन जोखिम मोल के पत्रकारिता कर रहा संचारकर्मी सबके स्वास्थ्य संग खिलवाड़ कर वाला प्रदेश सरकार के सरकार वाला ऊपर हदे धर के कार्रवाई हो पड़पाक पत्रकार सबके उपराल। कोरोना संक्रमण बढ़ला के बाद काठमांडू उपत्यका में लगाओल गए निषेधाज्ञा जारी है। निषेधाज्ञा के कारण सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मी एम्बुलेंस आ जिला प्रशासन कार्यालय से अनुमति लेने अत्यावश्यक सेवा के सवारी साधन मात्र संचालन भ रहा है। अत्यावश्यक वाहन के सवारी साधन संचालन में प्रतिबंध लगभग चलबुल आ आवागमन में रोक लगाओल गया के कारण उपत्यका के मुख्य सड़क प्राय सुनसान है। निषेधाज्ञा लागू कराब मुख्य सड़क आ चौक सब में सुरक्षाकर्मी परिचालन कैल गए। तेना शुक्र दिन से एक हफ्ता के लिए प्रशासन कार्यालय निषेधाज्ञा थप कलक है। थप कैल गए निषेधाज्ञा में किराना दुकान खोल से रोक लगाओल गया। बृहस्पति निषेधाज्ञा के अवज्ञा करके चलाओल गया 464 सवारी साधन के काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान में ट्रैफिक प्रहरी होल्ड कैन है। जाए में 345 दुपांगरे 88 चार पांगरे 9 टैक्सी आ 22 अन्य पैघ सवारी साधन रहा ट्रैफिक महाशाखा जनौल। डडेलधुरा अस्पताल में पहल बेर नेपाल सरकार देने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचल। सरकार देने 50 ऑक्सीजन सहित के सिलेंडर डडेलधुरा अस्पताल में पहुँचल। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भेला पर कोरोना वायरस के रोगी के इलाज के लिए समस्या भर रहा समय में नेपाल सरकार ऑक्सीजन सहित के सिलेंडर दिलक बाद इलाज के लिए सहज फैल। नेपाल सरकार के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय देने ऑक्सीजन के सिलेंडर सहित आप डडेलधुरा अस्पताल में छोट पैघ कक 200 से बेसी सिलेंडर भेला से ऑक्सीजन के अभाव नहीं हेबाक डडेलधुरा अस्पताल विकास समिति के अध्यक्ष करुणाकर ओझा बतौलन। सिलेंडर के पर्याप्तता भेल संगे आपातकालीन के लिए सेहो ऑक्सीजन भर के रखबाक लेल सहज भेल अस्पताल जनौलक। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं भेला पर डडेलधुरा कोरोना वायरस के रोगी के आवश्यक पड़े वाला ऑक्सीजन उपलब्धता करबाक लेल समस्या भरल छल। एखन डडेलधुरा अस्पताल में 37 गोट कोरोना वायरस के रोगी इलाज करा रहा है। टुडे फ्रेम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।